हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अवर माइनक्राफ्ट न्यू वीडियो। तो गाइस, इस माइनक्राफ्ट के वीडियो के अंदर हम करने वाले स्टार्ट हमारी माइनक्राफ्ट की न्यू जर्नी, और गाइस बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं अपना कैमरा एंगल चेंज करके यहाँ पे वुड क्रैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस ये हमारी माइनक्राफ्ट की एक न्यू जर्नी है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों का सच्ची बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है, और गाइस प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं पहले बहुत सारे वुड कलेक्ट करके आप लोगों से डायरेक्टली स्टोन के टूल्स को माइन करते हुए स्टोन के टूल बना के आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी खिला मैं एक्सप्लोर करने को निकल जाता हूँ। तो गाइस हाँ, एक और चीज़ आपको एक इन्फॉर्म करनी है मेरे को कि गाइस यहाँ पे मैंने अपना एक अडोन यूज़ किया है, वो है लेफ्ट हैंड टॉर्च का, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि भाई साहब तूने अडोन लगाया तो हमें बताया नहीं पहले। तो गाइस यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसमें एक लेफ्ट हैंड टॉर्च का अडोन लगाया है। अगर आपको भी वो अडोन चाहिए तो मेरे को कमेंट कर लेना, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको वो भी अडोन दे दूंगा। तो अभी खिला मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे मेरे को बहुत बड़ा सा केव मिलता है, यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा कोल भी मिलता है। और गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं ये सारे कोल्स को मतलब माइन करके आप लोगों से मिलता नहीं अभी खिला आप लोगों के सामने सारी चीज़ें करूँगा। तो यहाँ पे चलो मैंने कोल माइन कर लिया। अभी खिला मैं आप लोगों के सामने वो लेफ्ट हैंड टॉर्च का बनाता हूँ। देखो सिंपली मेरे को यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करने की है, और यहाँ पे टॉर्च बनाने का है, और ये लेफ्ट हैंड टॉर्च क्रिएट करने का। यहाँ देख सकते हो मेरे को डाइनिंग लाइट मिल गया है, और अभी मेरे को इसे लेफ्ट हैंड में डालने का है। तो ये देख सकते हो अभी खिला मेरा ये पूरी तरह से वर्किंग कर रहा है। और यहाँ पे देख तो ये कितना बड़ा केव है भाई। तो यहाँ पे तो कुछ खास नहीं दिख रहा मेरे को। ये क्या है यार, रुको। हाँ यहाँ पे कोल भी है, रुको मैं ये कॉबलस्टोन लगाता हूँ और वहाँ पे जाके कोशिश करता हूँ। जा सकते क्या ये, अरे यार सीट करके हूँ मैं, देखो। और ओके यहाँ पे बहुत सारा कोल है, चलो मैं इस सारे कोल को माइन कर लेता हूँ। और इधर भी कोल है, ये भी तोड़ देता हूँ, ये भी तोड़ देता हूँ। और अगर यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे कोल तोड़ता हूँ, और मैं सोचा कि चलो कोई तो हमें आयरन का आमा बनाएंगे यार, और इन फ्यूचर तो मेरे को ये सारा कोल तो मेरे काम पड़ने वाला है ना। तो यहाँ पे मैं इसे जल्दी जल्दी तोड़ता हूँ। अरे भाई कितना कोल है यार, ये पानी भी आ गया, ले पानी को भी अभी आने का था। चलो इसको ब्लॉक करने का ट्राई करता हूँ, रन देते हैं इसको, छोड़ देते हैं। अब देखो पानी कुछ असर ही नहीं कर रहा, अब मैं इसे तोड़ देता हूँ। ओके नाइस, सभी खिला मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा कोल चाहिए भी नहीं खासली। तो यहाँ पे थोड़ा और कोल है, मैं यहाँ पे और कोल ले लेता हूँ। भाई साहब लेना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो अब तो सच पकाओ लग रहा है मेरे को, यहाँ पे कोल मिल रहा। तो ओके इसे भी तोड़ो, 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 अरे तोड़ते रहो यार, ठीक है। तो यार इसको भी तोड़ लेता हूँ। हाँ हाँ भाई 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 कितना कोल है। ओके चलो मैं यहाँ पे अभी के लिए अब ये इसको लास्ट को तोड़ता हूँ। यहाँ पे अभी देखता हूँ यहाँ पे कुछ है क्या बना, नहीं है तो भाई माइनिंग कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, ऊपर चला जाऊँ, ऊपर से मैं माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो आप लोगों से मिल खिला। मेरा यहाँ पे सारा आयरन हो चुका है गाइस, पूरी तरह से स्मेल्ट, और यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं मेरे फर्नेस में कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे अभी खिला मैं अपना पूरी तरह से अपना आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। और ये आयरन की रेसिपी, इधर बनाया मेरा हेलमेट, यहाँ बनाया चेस्ट प्लेट, यहाँ बनाया पैंट, और बहुत सारे बंदे ने आई थिंक वो देखा होगा क्लिक में वो, ठीक है। तो भाई साहब क्या था वो, तो यहाँ पे वो थोड़ा बहुत मेरा प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो देखो मैं गाइस जो कैमरा चेंज करता हूँ वो करता हूँ की मैपर से, ठीक है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मतलब कि मैं वीडियो को पॉज करने का मतलब कि जा रहा था, तो यहाँ पे मेरा जो की मैपर है
वो मतलब कि उसका प्रॉब्लम हो गया था, तो जिस वजह से मतलब कि, और उल्टा मेरे को वीडियो का भी कुछ सेटिंग करने का था, जिस वजह से ना आप लोगों को लगा हुआ आई थिंक कुछ थोड़ा चीट जैसा लगा हुआ, तो वैसा कुछ नहीं हो की मेंबर का था। तो ये देख सकते हो मैं कैसे कैमरा चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस अपनी जो सीरीज है वो खत्म मतलब कि मैक्सिमम हो ही गया है। ओके गाइस अभी खिलाफ आज की जो हमारी प्यारी सी जो वीडियो है वो अभी खत्म हो चुका है। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो ओके गाइस बाय बाय, लव यू ऑल एंड सी यू लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो।